हेलो गाइस, इसमें डिजमैन रेड पर हियर। तो मैं आज आया हूँ न्यूयॉर्क पे। मेरा इलोन मस्क के साथ थोड़ा मीटिंग है ना, तो इसलिए मैं न्यूयॉर्क पर आया हूँ और आपको आज दिखाऊंगा कि इंग्लिश टॉयलेट में कैसे टॉयलेट कर लिया जाए। आप लोग को तो पहले दिखाया मैं खेत में खुले में कैसे टट्टी करते हैं, इंडियन टॉयलेट में भी कैसे टट्टी करते हैं, कहाँ पर एम लगाकर टट्टी करना पड़ता है। तो आज मैं दिखाऊंगा आपको इंग्लिश टॉयलेट में कैसे टट्टी करना चाहिए। तो चलिए बिना गवाए शुरू करते हैं। इंग्लिश टॉयलेट में टट्टी कैसे करना चाहिए, वो पूरा प्रॉपर वे से कैसे टट्टी करना चाहिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैं अभी सेवन स्टार होटल में हूँ और ये सेवन स्टार होटल का बाथरूम है। तो आज आपको दिखाऊंगा कि इंग्लिश टॉयलेट में कैसा टट्टी करना चाहिए और इसका फंक्शन क्या है। और ये जो आप मटका जैसे देख रहे हो, गोल मटोल का मटका, ये मटका है क्या, आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। और इसका फ्यूचर क्या है, इसका एबिलिटी क्या है, ये कैसे काम करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक पॉइंट स्किप करने से आपका ही लॉस होगा और आप अगर आप पूरा देखोगे तो आपका ही फायदा होगा। तो पूरा देखने का जरूर। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये रहा इंग्लिश टॉयलेट। और आप ये देख सकते हो ना, ये जो कवर है ये कुछ मामूली कवर नहीं है, ढक्कन है। और मैंने इसको ढक्कन लगाकर रखा है क्योंकि ढक्कन लगाने से हम ये इधर बेच सकते हैं और अगर हम पोटी करेंगे ना तो हम इस ढक्कन को खोलेंगे। और इस ढक्कन को खोलने के बाद आपको एक ऐसा सुंदर नजारा देखने को मिलेगा कि आपने कहीं तक नहीं मिला, आपने स्वर्ग में भी नहीं देखोगे ये सुंदर वाला नजारा। तो मैं आपको दिखाता हूँ सुंदर वाला नजारा। ये रहा मैंने खोला, ये देखो सुंदर वाला नजारा। तो ये रहा इंग्लिश का टॉयलेट। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या है। दोस्तों, ये जो इंग्लिश टॉयलेट है इसको कैसे करना चाहिए। आप लोग तो इंडियन टॉयलेट में ऐसे बैठकर पंसा लगाकर अंडरवेयर लगाकर आपने ये हगा होगा, लेकिन ये ना इंग्लिश टॉयलेट है। इस टॉयलेट में हगने के लिए आपको ऐसे सूट बूट जींस पैंट लाल चश्मा लगाकर हगना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश है ना। तो इसलिए आपको स्टाइलिश टॉयलेट में आपको स्टाइल करके हगना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप। ऐसा बैठकर अगर आप हगोगे या पोटी करोगे ना तो एक आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ऐसा लॉस हो जाएगा जब आपका टट्टी निकलेगा ना, तो जब इसे गिरेगा ये जो पानी रहता है ना, पानी टपक के बिंदु होके आपका पीछे में एक चला आएगा और लग जाएगा, बिंदु टपक करके आगे गिर जाएगा। तो इसमें ऐसा बैठना नहीं चाहिए। बेसिकली ज्यादातर आप लोगों को इसका यूज नहीं पता होगा क्योंकि आप लोग गवार है, आप लोग इलिटरेट है। तो आपको कैसे पता होगा कि ये इसको कैसे पोटी करना चाहिए। और आप लोग तो कभी कनाडा, इंग्लैंड, यूएसए, लंदन पर नहीं गया होगा, आप लोग तो गवार है तो आप लोग को नहीं पता होगा। तो आप लोग को मैं सिखा दे रहा हूँ कि इसको प्रॉपर वे से कैसे टेस्टिंग करना चाहिए, कैसे हगना चाहिए। तो देखिए, तो आपको अभी दिखाते हैं कि इसमें कैसे बैठना चाहिए और कैसे नहीं बैठना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट टू से आप लोगों को ऐसा नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ऐसे बैठने से जब आपका गाल से होल से टट्टी निकलेगा ना, तब टट्टी इस पानी में गिर के आपके पिछड़े में टपके टपक करके आपका गाल में लग जाएगा और आप अशुद्ध हो जाओगे। तो आपको प्रॉपर वे से बैठना पड़ेगा कि ऐसा पूरा फुल धूरी से बैठना पड़ेगा, ऐसे एक पैर ऐसे रखना और ऐसे गान को ऐसे हिलाना और आपको एम करना पड़ेगा, जैसे कि बंदूक का जो निशान करते हैं ना एरो पे क्यों एम लगाते ना, वैसे आपको ऐसा पकड़ के छोटा मोटा बटन ना ऐसे पकड़ के आपका गान को ए होल के अंदर आपको एम लगाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा जोर जोर से, तभी आपका जो होल है होल से तत्ती निकलेगा, लगता थे वहां पर तक जाएगा जोर से गिर जाए, जैसे रॉकेट पानी में गिरता है ना वैसे ही तत्ती इस नाले के अंदर गिरेगा। सो आफ्टर ऑल जब आपका पोटे करना हो जाएगा तो उसके बाद ये जो बटन देखते हो ना, इसको बोलते हैं फ्लश, इसको फ्लश करना पड़ता है। फ्लश यो करके जब आपका पिछवाड़े में गू लगा रहेगा ना तो यो कोई बात नहीं, यहाँ पर देख सकते हो ये रहा बंदूक, ये जो बंदूक देख रहे हो ना ये रहा बंदूक, इसका इस्तेमाल बोलते हैं। हम इंडिया का टॉयलेट में मोक से पानी लेकर पिछवाड़े को धोना पड़ता है ना, लेकिन यहाँ पर सिस्टम कुछ अलग सा है।
यहाँ पर हम बॉटम को नीप को घुमाएंगे तो यहाँ से बोन लूप निकल के आ जाएगा तो हमारा पिछोड़ा से गू निकल जाएगा और हमारा पिछोड़ा साफ हो जाएगा और हमको हाथ लगाने नहीं पड़ेगा। इंग्लिश टॉयलेट का बहुत ही ज्यादा स्टाइल से यहाँ पर तट्टी करो और अपने आप तट्टी निकल जाएगा। यहाँ पर हाथ से धोना नहीं पड़ता। ये बहुत ही मस्त तरीका है इंग्लिश टॉयलेट मतलब स्टाइलिश टॉयलेट। दोस्तों आप लोग तो बहुत सीख गए होंगे कि इंग्लिश टॉयलेट में कैसे तट्टी करना चाहिए। तो आज का वीडियो बस यहाँ तक रहा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी दूसरे वीडियो पर और किसी दूसरे ट्रिक्स एंड ट्रिक्स पर। तो टाटा बाय बाय सी यू।